हेलो स्टूडेंट, डॉली शर्मा फ्रॉम डॉली कोचिंग मेथड। सबसे पहले फिर से वही टैगलाइन, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोस को लाइक कर दीजिए और उन्हीं पर कमेंट कीजिए कि आपको उन वीडियोस में क्या चीज में प्रॉब्लम हुई और कितना परसेंटेज आपको समझ आ रहा है। फिर से बोलूंगी, वीडियोस मैंने आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड को एक अनसर्टेनिटी से बचाने के लिए बनाए हुए कि आप इन टॉपिक्स को लर्न कीजिए। जैसे अक्सर बहुत सारे एग्जाम्स में आता है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, और एक्सप्रेशन हमें इस वे में दे रखा होता है ए साइन थीटा प्लस माइनस बी कॉस थीटा। मतलब आपके पास लिखा हुआ हो सकता है ए साइन थीटा, इस चीज को अगर हम और इलेबरेट करें तो हम लिख सकते हैं ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, या फिर लिख सकते हो आप ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालोगे तो प्लस का साइन लगाओगे अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर, मिनिमम वैल्यू में आप माइनस कोट करोगे। इसी में देखिए दूसरा पॉइंट है आपका ए साइन थीटा प्लस माइनस बी कॉस थीटा प्लस माइनस सी, एक कांस्टेंट और दे रखा हो तो जो भी कांस्टेंट का साइन हो उसे वैसे ही लिखते हैं मैक्सिमम और ये मिनिमम वैल्यू। इसमें मैंने क्वेश्चन कोट किया हुआ है, इसमें लिखा है थ्री कॉस एक्स प्लस फोर साइन एक्स प्लस एट, यानी सिंपल यू हैव गॉट ए इक्वल टू थ्री, बी इक्वल टू फोर और सी इक्वल टू एट। तो आपको मिनिमम वैल्यू बतानी है, तो मिनिमम वैल्यू जैसे कि आप रिजल्ट याद करोगे तो आपके पास होगा माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर और जो भी सी का साइन है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे थ्री स्क्वायर प्लस फोर स्क्वायर प्लस एट, यानी कि माइनस फाइव प्लस एट एंड यू हैव गॉट थ्री, द मिनिमम वैल्यू। इसके बाद देखिए एक और कॉन्सेप्ट जो मैं आपको बता रही हूँ, इसमें सिंपल सा हमें ध्यान रखना है कि अगर दो एंगल्स का सम 90 डिग्री आता है तो हमारे पास कन्वर्जन क्या होता है कि टेन थीटा अगर आपका दिया हो तो आप उसे कॉट 90 माइनस थीटा लिख सकते हो, यानी यही फॉर्मेट। अगर साइन थीटा दिया है तो आप उसे कॉस 90 माइनस थीटा लिखोगे, और अगर यहीं पे सेक थीटा दिया हुआ है तो आप उसे कोस सेक 90 माइनस थीटा लिखोगे। तो ये चीज बहुत जनरल सा फॉर्मेट है, जैसे अगर कहीं 54 और 36 एंगल दिया है तो सम तो 90 आएगा। तो यहाँ देखिए कॉट 54 दे रखा है तो आप उसे 10 36 लिख सकते हो, कहीं 10 20 दे रखा है तो आप उसे कॉट 70 लिख सकते हो, और इन दोनों एंगल्स को आप सम अप करो तो 90 आएगा। ऐसे ही 54 और 36 को अगर आप सम अप करो तो 90 आएगा। तो देखो ये जो कॉन्सेप्ट है वो मैं यहाँ लगा रही हूँ। इसमें देखिए कॉट 54 है तो कॉट 54 की जगह मैंने आपको बोला 10 36 लिख सकते हो, नीचे 10 36 है, यहाँ 10 20 ऐसे ही रखो, और कॉट 70 की जगह भी आप 10 20 लिख सकते हो। ये इससे और ये इससे कैंसिल हो जाएगा, फाइनली 1 + 1 आपके पास कितना आएगा 2। नीचे देखिए एक और फॉर्मेट, जैसे हम लोगों ने आइडेंटिटी पढ़ी है साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो वही चीज यहाँ भी दी हुई है। इसे आप साइन स्क्वायर 20 लिखो, और अभी जो मैंने बताया साइन 70 दिया हुआ हो तो आप उसे कॉस 20 लिख सकते हो, तो आप इसे कॉस स्क्वायर 20 लिखोगे और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। तो सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट तब लगा सकते हैं जब दो एंगल्स का सम कितना हो 90। तो ये चीज बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में, आपको देखते ही स्ट्राइक कर जाएगा क्योंकि ये चीज हमें लिखनी भी नहीं है। 70 दिख रहा है तो हम डायरेक्ट कॉस 20 लिखेंगे क्योंकि हमारे पास जो रिमेनिंग एंगल है उसे 90 में से माइनस करिए, जो भी आए उसकी जगह उसे प्लेस कर दीजिए। जैसे अगर मैं आपको डायरेक्ट बोलूं, मान लीजिए साइन 65 दे रखा है तो मुझे मालूम है कि ये कॉस में कन्वर्ट होगा, तो मैं यहाँ डायरेक्ट 35 लिख दूंगी। ऐसे ही अगर आप कहीं 10 75 लिख के देंगे तो मैं डायरेक्ट आपको बोलूंगी कॉट 15 डिग्री, और कॉन्सेप्ट वही है कि मैंने जो एंगल दिया हुआ है उसे 90 में से माइनस करके डायरेक्ट कॉट के संग कनेक्ट कर दिया। एक और चीज देखिए, ये जो क्वेश्चन है इसे सॉल्व करने का एक शॉर्टकट है, मतलब वैसे तो करने का एक लंबा तरीका है लेकिन शॉर्टकट क्या है, कॉट को जैसे आपको पता है कॉट को आप कॉस अपॉन साइन लिख सकते हो और कोसेक को हम 1 अपॉन साइन लिखते हैं, माइनस 1 एज इट इज, और यहाँ भी आप कॉसेक्स अपॉन साइन एक्स, यानी एक स्टेप तो आपको लिखना ही होगा, और इसके अगले स्टेप में आप एलसीएम लोगे तो आपके पास आएगा कॉसेक्स प्लस 1 माइनस साइन एक्स, और इस वाले टर्म को लिखोगे कॉसेक्स माइनस 1 प्लस साइन एक्स। सिंपल सा देखो, कॉस का आप वो फॉर्मूला लगाओ जिसमें 1 माइनस होता है, तो आप इसे लिख सकते हो 2 cos² x/2 - 1 प्लस 1 ऐसे ही, और इसे हाफ एंगल फॉर्मूला से आप लिख सकते हो साइन एक्स बाय 2 cos x/2। सेम वे में आपकी बार आपके पास माइनस 1 है तो आप वो फॉर्मूला लगाओ जिसमें
कॉस प्लस में होता है, मतलब वन प्लस में होता है माइनस वन ऐसे ही, और इसे फिर हाफ एंगल से आपने ब्रेक किया, साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू। देखिए वन से वन कैंसिल, इस वन से वन कैंसिल, ऊपर से आप कॉमन ले सकते हो टू कॉस एक्स बाय टू। तो देखिए जब आप ऊपर से टू कॉस एक्स बाय टू कॉमन लोगे तो ब्रैकेट में आएगा कॉस एक्स बाय टू माइनस साइन एक्स बाय टू। सेम वे में आप अपॉन में से कॉमन ले सकते हो टू साइन एक्स बाय टू, तो आपके पास आएगा कॉस एक्स बाय टू माइनस साइन एक्स बाय टू। ये पूरा टर्म इससे कैंसिल हो जाएगा, टू से टू कैंसिल हो जाएगा, या टू से टू मत कैंसिल कीजिए इसको, एज इट इज रखिए, कॉस एक्स बाय टू से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए। तो देखिए जैसे ही आप इसे डिवाइड करोगे ये टर्म कन्वर्ट हो जाएगा टू कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू, और नीचे वाली चीज साइन एक्स में कन्वर्ट हो जाएगी, और ऊपर वाले टर्म को आप वन प्लस कॉस एक्स लिख सकते हो, ये साइन एक्स। तो देखिए ये बहुत ज्यादा मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म है इसकी। अभी मैं आपको एक रिजल्ट लिख के दे रही हूँ, जैसे कहीं आपको लिख के दिया हो वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाय टू और वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाय टू, और डायरेक्ट आपसे पूछा जाए इसका रिजल्ट, तो आप इसे डायरेक्ट लिख सकते हो ये चीज कन्वर्ट हो जाती है आपकी कॉस एक्स में। वो कहां से पता चला मैं आपके लिए उसके मैं आपको कुछ फॉर्मूलाज लिख के बता रही हूँ। एक ही बार में देखिए, अगर हम कॉस एक्स की बात करें तो आप इसे ये फॉर्मेट में कुछ फॉर्मूलाज याद करिए, आज केवल कॉस के, वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स बाय टू, या टू कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू माइनस वन, या फिर आप इसे लिख सकते हो वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाय टू अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाय टू, और सिंपल एक और फॉर्म लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाय टू, और एक और रिजल्ट लिख सकते हैं कॉस फोर एक्स बाय टू माइनस साइन फोर एक्स बाय टू। तो ट्रिग्नोमेट्री अगर आपको सीखनी है तो आपको कुछ फॉर्मूलाज लर्न करने होंगे, उससे आपकी स्पीड और प्रेजेंस ऑफ माइंड दोनों बढ़ जाएंगे। तो इस टाइप के वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, डू फेवर इसे पूरा पूरा वॉचआउट कीजिए, क्योंकि हम आपका बहुत ज्यादा वक्त नहीं ले रहे हैं, और जो आपको रिटर्न बैक कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा कीमती है। थैंक यू, शुक्रिया, जय हिंद।